हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। फ्रेंड, आज आपके लिए हम लेके आए हैं नया वीडियो, जिसमें हम नई मोटर डालेंगे। जो कि दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि ये मोटर 5 HP की है और 3 फेज की है। पूरा टोटल नया आइटम है, तो इनको फिटिंग करके चला के दिखाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, ये इसकी फ्लेंच है जो कि सपट्टे पे हम लगाएंगे मोटर के करीब, और ये इसकी डोरी है जो कि सप्लाई 3 फेज सप्लाई, इसको किटआउट में देंगे हम DP से। इस किटआउट के अंदर यहाँ पे हमारा स्टार्टर है, और दोस्तों हम फटाफट से केबल को जोड़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, केबल का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे हम पहले से ही डाल रखे हैं, वहां जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि 3 फेज स्टार्टर में सप्लाई 3 फेज कैसे दी जाती है। यहां पर दोस्तों हमारे तीनों किटआउट होते हैं। तीनों किटआउट के नीचे की तरफ तो स्टार्टर के वायरिंग के वायर लगे हुए होते हैं, ऊपर की तरफ दोस्तों खाली रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ तीनों एक एक वायर आपको लगाना है। जैसे कि पहले हमने पीला वाला वायर हमने लगा दिया, फिर रेड लगा दिया, फिर नीला वायर लगा दिया है। इस प्रकार से आपको तीनों वायर कंप्लीट लगाने हैं, और हमने यहाँ पे स्टार्टर को भी एक जगह सेट कर दिया है ताकि यहाँ पे ये गिरे ना, ऑयल वगैरह इसमें से निकल कर बाहर नहीं आए, तो ऐसे लगा दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर मोटर के अंदर हमने सबसे पहले पानी इंस्टॉल करना है, और पानी इंस्टॉल करने के लिए हमें दोनों बुलेट पानी के बुलेट खोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम दोनों बुलेट खोल चुके हैं। करीबन यहाँ से 3 से 4 लीटर इसमें पानी अंदर जाता है इसके, तो वह ज़रूर डालें, नहीं तो दोस्तों मोटर हमारे जलने के ज़्यादा चांस रह जाते हैं अगर आप पानी नहीं डालोगे। और इसमें कंपनी से भी पानी नहीं आ रहा है, तो दोस्तों मोटर आपकी कन्फर्म 1 या 2 घंटे चलने पर जल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी मोटर देखा जाए तो मोटर टेक्समो कंपनी की हमारी मोटर है। पानी यहाँ पर पूरा इंस्टॉल हो चुका है। हम बुलेट को वापस दोबारा से कस लेंगे, दोनों बुलेट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। टेक्समो कंपनी की ये मोटर है, 24 स्लॉट की ये मोटर है, और 3 फेज इसकी वाइंडिंग है। 2800 इसके RPM है, और जो इसका ऊपर का जो पंखा है, पंखे के दोस्तों 8 स्टेज ये पंखा है। 350 से 400 फीट की गहराई तक ये पानी उठाने की क्षमता रखता है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम स्टार्टर के अंदर ऑयल कंप्लीट डाल चुके हैं, और ऑयल डालने के बाद में दोस्तों हम इसको ढक्कन को वापस कस लेते हैं। कभी कभी दोस्तों कोई स्टार्टर में नीचे जो झूला लगा हुआ होता आता है जो कंपनी से दोस्तों, वह बंधा हुआ आता है, आपको खोलना ज़रूरी है। इसमें बंधा हुआ नहीं था, नहीं तो आपको हम दिखाते। तो चलिए यहाँ से सपटे को गर्म करके अच्छे से इसमें फ्लेंच लगा लेते हैं। सपटा दोस्तों हमारा 2 इंच का सपटा है ये, और इसकी सपटे की कंपनी देखा जाए तो मोदी का ये सपटा है। मोदी का सपटा दोस्तों बड़ा मजबूत सपटा आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप गरम करके थोड़ा लकड़ी से इसको सपटे को लंबा कर लेना है इस प्रकार से, और पलेंच लगा कर देख लेना चाहिए। जहाँ तक पलेंच आ जाती है वहाँ कंप्लीट कर देना चाहिए। अब दोस्तों हम लकड़ी से तो कर चुके हैं, लकड़ी से ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा हो जाता है सपट्टा, इस वजह से हम अब यहाँ पर एक कांच की बोतल लेंगे। उस कांच की बोतल से हम इसको सेट करेंगे इस प्रकार से। इस पर यहाँ पे दोस्तों आसानी से प्लेट घुस जाती है कांच की बोतल से। तो चलिए हमने यहाँ से लगा लिया है अच्छे से, और मोटर पहले से जॉइंट थी, केबल भी हमने जॉइंट कर ही दी थी। तो अब हम सपटे को और मोटर को दोनों को बुलेट कंप्लीट कस लिए हैं, जो कि आपको दिखाए नहीं थे, वह आप भी लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ से हमारी जो केबल है, केबल को अच्छे प्रकार से टाइट करना है, यानी कि बांध कर रखना है। ये पत्थर वगैरह के अड़ना नहीं चाहिए, ढीली नहीं रहना चाहिए। और हमारा जो जॉइंट किया था दोस्तों, हम टेप और कंपोज किए थे, वहाँ से आपको 2-3 जगह ज़्यादा बांधनी है, क्योंकि दोस्तों जॉइंट हमारा खिसकना नहीं चाहिए। अब दोस्तों मोटर को भारी आ चुकी है होल के अंदर डालने की, तो होल के अंदर कैसे डाला जाए दोस्तों, काफ़ी भारी मोटर आती है। तो चलिए दोस्तों उसी का भी हम आपको जुगाड़ दिखाते हैं किस प्रकार से मोटर को डालना है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो रस्सा है, रस्सा तो ऊपर की तरफ बंधा हुआ है, बाकी ये नीचे की तरफ एकदम हम छोड़ेंगे तो झटका भी लग सकता है और अपने लग भी सकती है। तो
अब इसके लिए हमें एक जुगाड़ यहाँ पे लगाना होगा, एक रस्सी लेनी होगी। रस्सी का मुंह आपको मुंह के पास से थोड़ी लंबी लेनी होगी और इस प्रकार से नीचे की ओर लगाना है। अब आहिस्ता आहिस्ता होल के अंदर मोटर को जाने देना है। तो हम यहाँ आहिस्ता आहिस्ता भेज रहे हैं और बाद में आपको एक मुंह छोड़कर निकाल लेना है। देखो, देख लीजिए, इस प्रकार से अंदर जाने दीजिए। अभी एक मुंह छोड़कर रस्सा एक मुंह से निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे कि रस्सा फंस सकता है, पर नहीं दोस्तों, रस्सा नहीं फंस सकता है। हमारे भी कुछ ऐसा ही हुआ था, देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो रस्सा है अंदर नहीं जा पा रहा है और इधर का भी ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, थोड़ी नीचे मोटर धकेलने के बाद में आसानी से ये रस्सा निकल जाता है, जिसकी वीडियो दोस्तों हम काट चुके हैं थोड़ी, तो वह आपको दिखाई नहीं देगी। अब दोस्तों, मोटर की बारी है, हम नीचे धकेलते हुए जा रहे हैं और मोटर को यहाँ पर दोस्तों 10 फीट या 15 फीट पे आपको एक प्लास्टिक की डोरी लेना है, उससे अच्छे से डोरी को बांधना है। हमारे जो केबल हैं, केबल को बांधना है, रस्से को नहीं बांधना है। चाहे तो आप रस्से को भी बांध सकते हो, पर दोस्तों हमारे ज़्यादा वेस्ट ये केबल हैं, केबल को बांधना ज़्यादा ज़रूरी रहता है और रस्से को ऐसे निकालने में आसानी रहती है दोस्तों। जैसे अगर हम ट्रैक्टर वगैरह से भी बाहर निकालें मोटर, तो रस्सा अलग रहता है, तो खींचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो हम केबल को यहाँ पर सपट्टे के साथ में बांध देते हैं। कम से कम 10 या 15 फीट की गहराई पर हम बांधते हुए जा रहे हैं दोस्तों, और हमारे जो सपट्टा है दोस्तों 400 फीट का सपट्टा है। हम इस मोटर को उतारेंगे 300 फीट की गहराई में और डोरी भी 400 फीट है, रस्सा भी 400 फीट है। तो दोस्तों, बाकी को हम बाहर रखेंगे 300 फीट की गहराई तक ही इसको डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी, इस वजह से ये सपट्टा है ना इतना बल खा रहा है, ताकि अंदर जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आपके भी इस प्रकार से हो तो दोस्तों, पहले सपट्टे को लंबा कर लेना चाहिए, इसका जो बड़ा निकाल लेना चाहिए। मोटर कंप्लीट होल के अंदर डल चुकी है, 400 वोल्टेज यहाँ पर हमारे को मिल चुके हैं, मोटर हमारी ऑन हो चुकी है, 12 एम्पियर में मोटर चल रही है। और देखते हैं मोटर कितना पानी यहाँ पर देती है। दोस्तों, काफ़ी मोटर पानी दे रही है, काफ़ी अच्छा पानी दे रही है दोस्तों। अब हमने बंद कर दी, फिर से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी दे रही है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो दोस्तों काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। और दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगले वीडियो और भी मज़ेदार वीडियो हम लाने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल पर। और दोस्तों, हमारे वर्कशॉप पर हम तीनों काम करते हैं कंटिन्यू।